हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ऐसी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम दो चीज़ से ही बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप पानी ले लिया है और मैंने आधा कप ले ली है सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली जो भी है। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। गैस को मीडियम रखें और इस तरह सूजी पकने लगी है और सूजी हो गई है पककर तैयार। उसके सूजी पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह सूजी हो गई है तैयार। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे। थोड़ा सूजी को ध्यान रखें, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और इस तरह सूजी तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में रख लेंगे ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद इसकी तैयारी करेंगे। और इस तरह सूजी अब हो चुकी है ठंडी। अब इसमें बॉल करा हुआ एक आलू ले लिया है। आलू मैंने बॉल करके और ठंडा करके ही लिया है। और इस तरह अब हम इसे घिया कस कर लेंगे। आप फोड़ कर भी ले सकते हैं, पर उसमें गांठ नहीं होना चाहिए। अब इस तरह आलू हो गया है कसकर तैयार। अब हम इसे सूजी में मिला लेंगे। आलू को आप उबाल कर और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें, तभी आलू का इस्तेमाल करें। और इस तरह सूजी मैंने मिलाकर कर ली है तैयार। एक चिकना सा, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह की हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले मिला लेंगे। मसाले भी हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, कम मसालों में ही ये बनाकर तैयार करेंगे। और 1 चम्मच ले लिया है चिल्ली फ्लेक्स, और 1 चम्मच ले लिया है जीरा, और 1/2 चम्मच ले ली है कुटी हुई काली मिर्च, और इसमें स्वाद अनुसार नमक। और अब इसमें हम धनिए की पत्ती डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला लें। आप मसाले इनमें और भी डाल सकते हैं। मैंने कम मसालों में ही ये नाश्ता बनाकर तैयार करा है। बारिश का मौसम चल रहा है तो नए नए नाश्ते की रेसिपी भी लेके आ रही हूँ। आप इनमें नए नए नाश्ते बनाकर तैयार करें। और थोड़ी सी मैंने डाली है कस्तूरी मेथी, इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस नाश्ते को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, खास बात तो ये है इसमें। और इस तरह अब ये हो गया है तैयार। वो अच्छी तरह से मैंने चिकना कर लिया है। अब इसको हम 2 जगह कर लेंगे और बड़ी बड़ी इसकी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह मैंने लोई भी बनाकर तैयार कर ली है। अगर आपका सूजी गीली है तो आप इसमें मैदा भी मिला सकते हैं। मेरी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, मुझे किसी चीज़ की मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इस तरह अब हम इसको बेल लेंगे, रोटी आकार में बेल कर तैयार करेंगे। और ये मैंने कर ली है, इसकी मोटाई मैंने 1/2 इंच मोटी रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और साइडों को काट देंगे। इस तरह ये साइडें मैंने निकाल दी हैं। हम इन्हें ऐसे भी सेक सकते हैं और इसको दोबारा भी बेल कर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा चाकू पे ऑयल लगाएंगे जिससे ये चिपके नहीं। और इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और इस तरह मैंने काट कर कर लिया है तैयार। और इसी तरह मैं जो मेरी 1 लोई रह गई है और उसे भी बेल कर तैयार करेंगे। और इसी तरह सारा नाश्ता हो गया है तैयार। अब हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसमें ऑयल लगा दिया है। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1-1 छोड़ देंगे। गैस को मीडियम रखेंगे, मीडियम गैस पर ही हम इस नाश्ते को सेक कर तैयार करेंगे। और जब तक इसमें वो बबल्स बंद नहीं होंगे तब तक हम इन्हें नहीं पलटेंगे। अब इसमें मेरे बबल्स भी कम हो गए हैं और इस तरह हम इस नाश्ते को
पलट कर सेक लेंगे। और इसी तरह अलट पलट कर सीख कर करेंगे तैयार। और ये हो गया है सीख कर तैयार। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे नाश्ते को सीख लेंगे। और अब ये हो गया है नाश्ता मेरा सीख कर तैयार। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और कम सामान में बनता है, कम मसालों में। और ख़ास बात, आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। कम से कम 10 से 15 दिन आप कहीं जा रहे हैं तो इसे लेके भी जा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इस तरह नाश्ता हो गया है तैयार। और यहाँ पर याद दिला दूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके भी बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। ये बहुत ही खस्ता बना है और आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे भी खाएं। और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।